अस्सलाम वालेकुम, माय नेम जावेद इकबाल अहमान। ASP.NET की सीरीज़ में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलिडेशन। ASP.NET हमें बहुत सारे वैलिडेशन कंट्रोल्स प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए से हम कोई भी वेबसाइट अगर बनाना चाहते हैं और उसमें कोई फॉर्म है या कोई भी टेक बॉक्स वगैरह या कोई भी कंट्रोल्स, अगर हम उस पर कोई वैलिडेशन चेक लगाना चाहते हैं कि आया नल ना छोड़े या उसमें कोई टाइप मैच करना चाहते हैं, तो हमें नॉर्मली हम जैसे विन फॉर्म वगैरह काम करते हैं तो हमें जो है वहाँ पे कंडीशंस लगानी पड़ती है और कोडिंग करनी पड़ती है, तो उन सब चीज़ों से हम जहाँ बच सकते हैं वैलिडेशन कंट्रोल्स के ज़रिए से, बहुत आसानी से इसमें काम होता है। तो इस पर्पज़ के लिए जैसे मैं पहले टेबल बना लेता हूँ और मैं टेबल में जो है वो 8 में जो है 9 रोस रख लेता हूँ और 3 कॉलम कर देते हैं। साइज़ इसकी हम जो है वो 300 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है जी। आई थिंक इसमें कॉलम शायद नहीं बने, दोबारा से बना लेते हैं। मैं यहाँ पे 9 रोज कर देता हूँ, 3 कॉलम कर देते हैं, 300 पिक्सल्स, अच्छा मैंने परसेंट ले लिया था, 300 पिक्सल्स में इसकी साइज़ दे देता हूँ, बॉर्डर दे देते हैं इसको ताकि क्लियर हो जाए मेरे पास। अब इसमें जैसे मैं कोई भी अगर हमें फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है या कोई भी हमें एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हमें यूज़र से इनपुट चाहिए और उसमें हमको चेक लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा पहले एक बात ये देखिए, नॉर्मली मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था जिसमें मैंने ASP.NET का इंट्रोडक्शन दिया था कि इसके जितने कंट्रोल्स है वो सर्वर बेस्ड कंट्रोल है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाते हैं और सर्वर से रिस्पांस लेकर आते हैं ना। अब देखो इफ़ की कंडीशन से भी रोक सकते हैं, लेकिन इफ़ की कंडीशन से रोकने का मतलब ये है कि वो रिक्वेस्ट लेके चला जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ या हम एक सिंपल एक बटन बना लेते हैं, या चलो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स बना के आपको समझाता हूँ। मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और अगर मैं यहाँ पे एक बटन भी बना लेता हूँ, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन फायर होता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मैं इस बटन पे आके इस पे इवेंट पे, जैसे हम नॉर्मली सी शार्प पे कोडिंग करते हैं नल चेक करने के लिए या ट्राई पार्स यूज़ करते हैं सी शार्प में टाइप को चेक करने के लिए, तो अगर मैं कंडीशन लगा लेता हूँ, नल को चेक करता हूँ, मैंने कहा इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 को अगर मैं चेक करता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी, अगर खाली नहीं हो तो फिर इस ब्लॉक में आना और ये काम कर देना। हमने कहा रिस्पॉन्स डॉट राइट, हमने कहा कुछ भी लिख दिया, हमने कहा ओके लिख दिया, ठीक है जी। तो इसका मतलब मैंने यहाँ कंडीशन लगा ली कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 खाली ना हो तो इस ब्लॉक में आना, तो इस ब्लॉक में तो नहीं आएगा, अगर मैं उसको नल छोड़ दूंगा ब्लॉक में तो नहीं आएगा, लेकिन पेज हमारा पोस्ट बैक हो जाएगा, यानी सर्वर के बाद रिक्वेस्ट लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि बटन जो हमारा है वो बेसिकली सर्वर बेस्ड कंट्रोल है और बटन रन एट इक्वल टू सर्वर के साथ चलता है, इसका मतलब है सर्वर बेस्ड कंट्रोल है, सर्वर के बाद रिक्वेस्ट लेके जाएगा और सर्वर से रिस्पांस लेके आएगा। तो हालांकि कंडीशन फॉल्स हो गई है, अगर मैं उसको नल छोड़ देता हूँ, मैं आपको जैसे रन करके दिखाता हूँ, तो अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को नल छोड़ देता हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स में कोई काम नहीं करता, इसका मतलब मुझे मैसेज नहीं आएगा, तो मतलब है वो उसके ब्लॉक में नहीं गया, लेकिन देखिए मेरा पेज जगह मौजूद है, लेकिन जैसे मैं बटन प्रेस कर दूंगा तो पेज मेरा पोस्ट बैक हो गया, हालांकि मैसेज नहीं आया क्योंकि कंडीशन रॉन्ग हो गई, हमारा टेक्स्ट बॉक्स नल है और नल होगा तो मैसेज पास नहीं करेगा ओके का, तो इसका मतलब है उसने मैसेज तो पास नहीं किया, उस ब्लॉक में नहीं गया, लेकिन पेज जैसे मेरा बटन मैंने क्लिक किया तो पेज मेरा पोस्ट बैक हो गया और सर्वर के रिक्वेस्ट लेके गया और सर्वर से रिस्पॉन्स लेकर आ गया, इसका मतलब है सर्वर हिट हो गया, सर्वर हिट हो गया। तो अब जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो जब सर्वर इस मौके पर हिट हो जाए कि अगर हम कोई भी कंडीशन को अगर कंडीशन प्रोग्रामिंग के जरिए से कंट्रोल कर रहे हैं तो सर्वर तो हिट हो गया, हम तो चाहते सर्वर हिट ही ना हो, जब तक वो उसको उसमें कुछ लिखे नहीं कोई वैल्यू ना दे तब तक सर्वर हिट ही ना हो, तो इसका मतलब ये है कि हमें वो फिर ये चीज़ें इसकी कंडीशन वगैरह यहाँ पे आके बेकार हो जाती है, फिर हमें वैलिडेशन कंट्रोल्स के जरिए से हमें इसको चेक करना होता है। अब देखिए मैं इसको नल छोड़ के जब तक प्रेस करता रहूँगा हमारा पेज हमारा देखिए रिफ्रेश होता जा रहा है, सर्वर हिट हो रहा है। अब देखा कितनी दफ़ा हमारा पेज आगे चला गया, कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट लेके गया, और अगर मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ तो ठीक है मुझे ओके का मैसेज आ जाएगा, ठीक है जी क्लियर है, लेकिन अगर मैं इसको नल छोड़ देता हूँ तो सूरत में तो सूरत में इस ब्लॉक में तो नहीं जा रहा, तो फिर वो जब ब्लॉक में नहीं जा रहा तो देन लेकिन सर्वर तो हिट हो रहा है। तो इस सिनेरियो में फिर हमारे पास लाजमी हमें यहाँ पे जो है वो चेक इन कंट्रोल्स को रोकने के लिए हमें जो है वैलिडेशन कंट्रोल्स यूज़ करने पड़ते हैं। मैं वन बाई वन समझाऊँगा इसको। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया, हम यूज़र से नेम लेना चाहते हैं
तो हमारे पास हम चाहते हैं नल को रोकना चाहते हैं कि खाली ना छोड़े, तो वैलिडेशन कंट्रोल हमारे पास होता है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। ये क्या करता है, नल को चेक करेगा, सिर्फ नल को चेक करेगा, टाइप चेक नहीं करता। यानी कुछ भी लिखा हो, चाहे नंबर्स हो, चाहे अल्फाबेट्स हो, कुछ भी लिखा हो तो वो अलाउ कर देगा, और अगर वो नल होगा, खाली होगा, तो मतलब अलाउ नहीं करेगा। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ये तकरीबन सब पे चलता है। ऐसा मतलब हम जिस कंट्रोल्स को चेक करना चाहते हैं कि नल ना छूटे, उन सब पे हमें जो है ये कंट्रोल पास करना पड़ता है। अब जैसे मैंने यहाँ पास कर दिया इसको, अगर मैं इसको ले लेता यहाँ पे, तो देन उस सूरत में क्या होगा कि वो जो है मैं इसको इस यहाँ ले आता हूँ। तो अब ये जो है रिक्वायर्ड इसको चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो उसकी एक कंपल्सरी प्रॉपर्टी है, जो अगर आप नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा, वो है कंट्रोल टू वैलिडेट। यानी चेक किसको करे, अब जितने टेक बॉक्सेज होंगे सारे यहाँ लिस्ट में आ जाएंगे। हमारा एक ही टेक बॉक्स है टेक बॉक्स 1, हमने इसे टेक बॉक्स 1 पास कर दिया, अगर ये नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा। फिर अगर कोई मैसेज पास करना चाहते हैं, हम यहाँ मैसेज पास कर देंगे। मैंने कहा मिसाल है नेम मस्ट फिल नेम, ठीक है जी। इसका मतलब अगर नल होगा तो ये मैसेज पास हो जाएगा। कलर देना चाहे कलर दे सकते हैं, 4 कलर अल्फाज का कलर, जो नॉर्मली रेड कलर होता है, हम रेड कलर पास कर देते हैं इसके अंदर। तो अब क्या होगा, जब मैं यहाँ पर आकर इस बटन को प्रेस करूँगा तो इसका मतलब है ये वैलिडेशन फायर हो जाएगा और मेरा पेज पोस्ट बैक नहीं होगा, पेज मेरा स्टिल जगह पर रुका रहेगा। इसका मतलब है सर्वर हिट नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं सिग्नल छोड़ दिया और मैं बटन प्रेस कर दिया तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा। अच्छा, 13 में या VS 13 में एक इशू है कि हमारे पास जो है वैलिडेशन कंट्रोल्स के लिए एक लाइब्रेरी होती है, वो बाय डिफॉल्ट इसमें jQuery की लाइब्रेरी होती है जो ऐड नहीं होती। तो इस अगर 13 में आप काम कर रहे हैं, हमें कभी कभी 15 में भी हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, इस एरर को यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और अपने सिंपल गूगल पे जाके ये एरर पेस्ट करना है। तो आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी, ठीक है ना। अब जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे इसमें यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिलेगी, ये देखिए, ये हमारे पास जरा कॉन्फ़िगर के अंदर भी काम करना है, ऐप सेटिंग के नाम से। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और अपनी एप्लीकेशन के अंदर आके web.config फाइल के अंदर आना है आपने, और web.config फाइल के अंदर आके आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। तो ये मसला अभी एरर आया था, ये एरर सॉल्व हो जाएगा। अब वो वैलिडेशन जो है वो कंट्रोल्स को जो है वो एक्सेप्ट करेगा और जो भी हमने उस पर काम किया होगा तमाम कंट्रोल्स को वो एक्सेप्ट करेगा। ये लाइब्रेरी हमें ऐड करनी पड़ती 13 और 15 के अंदर। ठीक है, आप देखिए मैं बटन प्रेस कर दूंगा तो देखिए हमारा पेज स्टिल जगह पर रुका हुआ है, पेज रिक्वेस्ट लेके नहीं गया बल्कि जगह पे रुका हुआ है। तो इसका मतलब है सर्वर हिट नहीं हुआ और इसे मैसेज पास कर दिया कि आपने मस्ट फिल नेम। अब देखें यहाँ पे मैं जितनी भी प्रेस करूँगा तो ये पेज हमारा हिट नहीं, सर्वर को हिट नहीं करेगा बल्कि हमें मैसेज पास हो जाएगा मस्ट फिल नेम। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ तो दैनिक सूरत में हमारा पेज जो है वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाएगा और जो भी हमने एक्शन किया होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये रिक्वायर्ड तकरीबन सब पे लगता है। अच्छा, बाकी कंट्रोल्स में आपको समझाता हूँ। जैसे कि मिसाल है, मेरे पास कंपेयर वैलिडेटर है, अगर मैं डेटा टाइप चेक करना चाहता हूँ या दो कंट्रोल्स को आपस में मैच करना चाहता हूँ, उसकी वैल्यू को चेक करना चाहता हूँ कि दोनों इक्वल हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, दो डेट्स को आपस में मैच करना चाहते हैं, तो इन सब सिनारियों में हमारे पास जो है वो कंपेयर वैलिडेटर यूज़ होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैंने कहा एक मिसाल है, हम एज लेना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ एज से वो नंबर से लिखे, या एज तो खैर मैं रेंज से भी चेक करा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक मिसाल है फ़ोन नंबर दिया और मैं कहता हूँ सिर्फ सिर्फ फ़ोन नंबर ही लिखे, नंबर के अलावा कुछ और ना लिखे। जैसे मैंने यहाँ टेक बॉक्स पास कर दिया तो नल अगर मुझे चेक करना है, नल को चेक करना है तो ये रिक्वायर्ड तो सब पे लगेगा, आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। आप ये रिक्वायर्ड को उठा के आपने यहाँ पास कर दिया, पहले इसको भी आपने इसकी प्रॉपर्टी में आके और आपने यहाँ पे टेक बॉक्स 2 दे दिया, इसमें आपने मैसेज पास कर दिया और हमने कह दिया मस्ट फिल फोन नंबर, और चाहे दोस्तों हमने कलर भी पास कर दिया साथ में। ठीक है जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ही लिखे, नंबर के अलावा कुछ और ना लिखे, अगर मेरी इस तरह की रिक्वायरमेंट हो तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर यूज़ करना है इसको, और कंपेयर में भी आके कंट्रोल टू वैलिडेट और कंट्रोल टू कंपेयर। आप देखें यहाँ पे दो चीज़ आ जाती है कि कंट्रोल टू कंपेयर और कंट्रोल टू वैलिडेट।
अगर मुझे इसको दो कंट्रोल्स को मैच करना हो कि बराबर हो, इक्वल हो, जैसे पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है, तो फिर तो हम कंट्रोल टू कंपेयर भी यूज़ करेंगे और वैलिडेट भी यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मुझे सिंगल पे काम करना हो तो फिर आप कंट्रोल टू वैलिडेट पे आएंगे और आपने दे दिया इसको टेक बॉक्स टू को कंपेयर करें। नंबर एक बार मैसेज हमने पास कर दिया, हमने कहा एक मिसाल है रॉन्ग फॉर्मेट, ठीक है जी, और चाहे तो उसको कलर दे दिया हमने इसके अंदर। फिर इसके बाद अब मैं इसको नंबर चेक कराना चाहता हूँ, तो फिर हमारे पास देखिए यहाँ पे ऑपरेटर्स भी आ जाता है, तो ऑपरेटर्स के अंदर अगर मैं टाइप डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे रखेंगे डेटा टाइप चेक, आपने यहाँ रखना है डेटा टाइप चेक, और फिर कौन सी टाइप को चेक करें वो आपने टाइप पे आना है और यहाँ पे अपनी टाइप बता देनी है। अगर मैं चाहता हूँ इंटीजर रिसीव लिखे कुछ और अलाउ ना करे तो इंटीजर अपने ले लेना है, अगर मैं इसको डेसिमल में अलाउ करना चाहता हूँ कि सिर्फ डेसिमल लिखे तो अलाउ करे तो डेसिमल ले लोगे, अगर सिर्फ डेट को चेक करना चाहते हैं तो सिर्फ डेट लिखे कुछ और ना लिखे तो आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे करेंसी चाहे तो हम करेंसी को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इंटीजर देता हूँ ताकि नंबर को मैं चेक करना चाहता हूँ। अब देखिए अगर इसमें से कोई भी कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो आपका वैलिडेशन फायर हो जाएगा और उसको चेक करेगा और आपको जो है वो पेज को पोस्ट बैक नहीं होने देगा। नल का भी मैंने रोका हुआ है इसको, इसका मतलब नल भी अलाउ नहीं करेगा। अब देखिए नल भी होता है तो दोनों मैसेज आपके पास आ गए, अगर आप यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट लिख देगा तो दोनों सूरत में भी हमारे पास जो है वो आ जाएगा रॉन्ग फॉर्मेट आ गया, हालांकि नल तो ख़त्म हो गया लेकिन चूँकि हमने नंबर लिखा है इसलिए रॉन्ग फॉर्मेट से दे दिया, और अगर मैं यहाँ पे नंबर पास करता हूँ तो नंबर ये एक्सेप्ट कर लेगा, ओके कर देगा जैसे, और इसको भी फिल कर दिया तो ये भी हमारे पास जो हमारा पेज जो है वो रिक्वेस्ट लेके आगे सर्वर को हिट करेगा। ठीक है जी, तो कंपेयर वैलिडेटर हमारे पास बेसिकली हम लोग जो है वो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर मैं दो चीज़ों को मैच करना चाहता हूँ, जैसे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को हम चेक करना चाहते हैं, और जैसे आपने लिखा पासवर्ड और आपने एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया और इसी तरीके से आपने लिख दिया कंफर्म पासवर्ड, इसको भी मैं चेक करना चाहता हूँ, हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स पास कर दिया, तो देन उस सूरत में अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को मैं मैच करूँ कि पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड हमारा बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इस पर्पज़ के लिए अगर हम वैलिडेशन कंट्रोल यूज़ करना चाहते हैं तो फिर यही कंपेयर ही हमारे लिए यूज़ होगा। हम पहले नल को चेक करना चाहें तो नल के लिए तो सिंपल हमें पता है कि रिक्वायर्ड सब पे लगेगा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिससे भी ये कंपेयर यूज़ करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि दोनों को मैच कैसे करेंगे। जब हम कंपेयर यूज़ करते हैं तो फिर हम यहाँ पर आके दोनों का प्रॉपर्टीज़ को फिल करेंगे, कंट्रोल टू कंपेयर भी और कंट्रोल टू वैलिडेट को भी। तो कंट्रोल टू कंपेयर पर आएंगे और यहाँ पर आके आपने कंपेयर करना है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स 3 हमारे पास पासवर्ड का है और टेक्स्ट बॉक्स 4 हमारा कंफर्म पासवर्ड का है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 3 दे दूँगा, वैलिडेशन पे आके कंट्रोल टू वैलिडेट पे आके एक्स्ट्रा टेक्स्ट बॉक्स 4 कर देंगे हम लोग। फिर इसी तरीके से देखिए मैं इसका साइज बढ़ कर देता हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद आपने मैसेज पास कर दिया, हमने कहा नॉट मैच, कुछ भी मैसेज पास कर दिया, कलर देना चाहे हमने कलर पास कर दिया, और फिर इसके बाद हम आएंगे ऑपरेटर पे, तो यहाँ हम इक्वली रखेंगे, हम इस यहाँ पे इक्वली रखेंगे क्योंकि हमें दोनों को आपस में मैच करना है तो दोनों इक्वल होने चाहिए। इस तरीके से अगर मैं इक्वल नहीं रखना चाहता हूँ, ग्रेटर देन भी मौजूद है हमारे पास, ग्रेटर देन लेस देन भी मौजूद है, लेस देन भी है, लेस देन इक्वली मौजूद है, और डेटा टाइप चेक तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि डेटा टाइप को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये ग्रेटर देन लेस देन भी हम यूज़ करते हैं, जैसे नॉर्मली जब हम दो डेट्स पे काम करते हैं और हम चाहते हैं कि एक बुकिंग की डेट है और एक जो है वो पार्सल डिलीवरी की डेट है और वो मैं चाहता हूँ उससे छोटी नहीं हो, गलती से गलत ना कर दें, तो फिर हम यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन वगैरह यूज़ करते हैं। देखिए अभी फिलहाल मैं पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड का मैच करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे इक्वल रखेंगे, और इसके बाद टाइप ने आपने बोले स्ट्रिंग ही रखेंगे, हम स्ट्रिंग में रख लेते ताकि हर सबको एक्सेप्ट कर लेगा, नंबर भी अलाउ हो जाएंगे और इसी तरीके से अल्फाबेट्स और बाकी चीज़ें भी हमारे पास स्पेशल करेक्टर वगैरह भी अलाउ हो जाएंगे, तो हम ये रख लेंगे। अब जब मैं यहाँ पे देखे रन करके आपको दिखाता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड में आके अगर मैंने इसे 123 दे दिया और यहाँ मैंने 1255 दे दिया तो ये बोलेगा रॉन्ग है, नॉट मैच, और अगर इसको मैं 123 कर दूंगा तो इसका मतलब है यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेगा और दोनों आपस में मैच हो गए। तो पास कंपेयर वैलिडेटर हमारा इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करता है, दो चीज़ों को मैच करने के लिए, ग्रेटर देन लेस देन को चेक करने वगैरह करने के लिए, इक्वल को चेक करने के लिए, और इसी तरह से डेटा टाइप को चेक करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं रेंज वैलिडेटर। अगर जैसे मैंने भी आपको कहा था, जैसे मैं एज को चेक करना चाहता हूँ और मैं फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जैसे लाइसेंस ऑफिस की है,
जिसमें हम समझ चाहते हैं कि 18 साल से अगर कम एज है तो वो भी अप्लाई ना कर सके, और अगर 60 से ज़्यादा है तो वो भी अप्लाई ना कर सके अगर इस तरह की कंडीशन हो। तो फिर हम क्या चाहते हैं, फिर हम चाहते हैं उस दो नंबर्स को मैच करना चाहते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को। तो फिर आप इस पर्पज़ के लिए जो है रेंज वैलिडेटर यूज़ करोगे। पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, रख देता हूँ, और इसके बाद हम यहाँ से लेंगे रेंज वैलिडेटर। अब रेंज पे आके वही कंट्रोल टू वैलिडेट तो हमें देना ही देना है कि टेक्स्ट बॉक्स 5 को चेक करेगा। मैसेज पास कर दिया हमने कहा मिनिमम कुछ भी मैसेज पास किया है 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 60 इयर्स अलाउ, कुछ भी लिख दिया, कलर देना चाहे हमने कलर भी पास कर दिया। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे आना है। और जैसे मैंने कहा 60 का मैं रोकना चाहता हूँ कि 60 से मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए और मिनिमम मैंने 18 कर दिया, तो सब दोनों के दोनों पकड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पे कोई टाइप को चेक करने की जरूरत नहीं है, अल्फ़ाबेट हमें अलाउ नहीं करेगा, अल्फ़ाबेट पे भी मैसेज एरर आ जाएगा। और अब यहाँ पे आके टाइप पे आकर हम टाइप भी दे देंगे कि रेंज में हम देना चाहते हैं तो इंटीजर को मैच करना चाहते हैं या डेट को हम देना चाहते हैं, दो डेट्स के दरमियान हो तो हम डेट सेलेक्ट करेंगे, तो मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट देंगे। नंबर को देखना है तो मिनिमम मैक्सिमम इंटीजर दे देंगे। इस तरह से हम करेंसी भी देना चाहें करेंसी को मैच कर सकते हैं, और स्ट्रिंग को मैच कर सकते हैं कि इससे इस दरमियान क्या कैरेक्टर रहा हो तो वो भी हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है उसको चूँकि मैंने एज के लिए दे रहा हूँ तो हमें इसे इंटीजर सेलेक्ट करना है। अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई भी एज देता हूँ, मैंने एक मिसाल 18 से कम देता हूँ 15 देता हूँ, तो देखो नॉट मैच का मैसेज आ गया। अगर मैं यहाँ पे आके 60 से अबव देता हूँ तो भी आ जाएगा कि आपके पास सॉरी ये मैच के लिए एज का ही है। अगर मैं देखिए 60 से अबव दे रहा हूँ तो 65 दिया तो आपके मैसेज आ गया। अगर मैं इसको 18 से कम देता हूँ 15, इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो देन उस सूरत में भी जो है अगर मैं 15 दूंगा तो भी आपके पास मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 18 से 60 के दरमियान को दूंगा तो इसका मतलब है यहाँ मेरे पास वैलिडेशन ओके हो जाएगी। अगर मैं 60 से ज़्यादा दे दूंगा तो देन उस सूरत में भी यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से हो जाता है, हम चाहे जो बहुत लंबा जोड़ा में कोड करना पड़ता है उनसे से बचना चाहे तो हम इसे बच सकते हैं। और इससे भी अच्छा तरीका है कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, एंगुलर जेएस भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा लाइट वेट है, वो भी हमारे इसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारा मकसद जो है वो पेज को सर्वर पर हिट नहीं कराना, तो इसके लिए फिर हमारे पास ये बेहतर रास्ता है। तो इसी तरह से हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ईमेल को चेक करना चाहता हूँ, या फॉर एग्जांपल हम डेट को चेक करना चाहते हैं, या फिर हम जो है पोस्टल कोड को चेक करना चाहते हैं, या यूआरएल को चेक करना चाहते हैं कि उसका पैटर्न सही लिखा है, यानी पैटर्न को मैच करना चाहते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन हमें पता है पैटर्न को मैच करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम सिंपल एचटीएमएल के जब हम पेज वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर भी रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाता है, तो पैटर्न को मैच करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिया, अब मैं इसके अंदर ईमेल के पैटर्न को चेक करना चाहता हूँ, तो फिर आपने यहाँ से रेगुलर फी एक्सप्रेशन वैलिडेशन लेना है। प्रॉपर्टी कंट्रोल टू वैलिडेट सब में सेम है, इसमें भी वही है, आपने टेक्स्ट बॉक्स 6 को मैच करना है। मैसेज आपने पास कर दिया, हमने कहा रॉन्ग फॉर्मेट, और यहाँ पर आके वैलिडेशन एक्सप्रेशन भी आपने आना है, और यहाँ पे आप देखें सारे मौजूद है। कस्टम भी आके आप कुछ भी यहाँ टाइप कर सकते हैं, अगर आप कोई भी पैटर्न खुद से बनाया हुआ आपने, जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे नॉर्मली नंबर्स के लिए बनाते हैं ना कि 0 से लेकर 9 के दरमियान नंबर लिखे, या स्मॉल के लिए लिखते हैं हम कैपिटल ए लिखे, स्मॉल ए से लेके ए डैश जेड करते हैं, स्मॉल में भी अलाउ करते हैं, कैपिटल में भी ए डैश जेड करते हैं वो भी अलाउ करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं करना चाहते हैं। तो भी हमें पता है कि हम यहाँ पे जो है रेगुलर एक्सप्रेशन खुद बना भी सकते हैं, और नेट से भी गूगल से भी हम ले सकते हैं, तो उसको हम जहाँ अगर आपने वहाँ से उठाया है या खुद बनाया है तो उसको भी आप यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो ऐसे मतलब है कोई भी इसके अलावा कोई भी पैटर्न आप चाहे उस पैटर्न को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो इसका मतलब है उस पैटर्न ही को वो जो है वो एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा किसी और चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और चंद बने बनाए पैटर्न मौजूद है, जैसे फ्रेंच का फ़ोन नंबर है, फ्रेंच पोस्टल कोड हमारे पास आता है, जर्मन फ़ोन नंबर है उसका पूरा जो फॉर्मेट है,
वो आ गया, इंटरनेट ईमेल एड्रेस आ गया, यूआरएल आ गया, ये सब चीज़ें भी हमें मिलती है। तो हमें ईमेल को चेक करना है तो हमने यहाँ से इंटरनेट ईमेल एड्रेस लेना है, देखिए इसका पैटर्न आ गया। आप चाहे तो उसको चेंजिंग भी कर सकते हैं, आप उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, वो कस्टम भी आपको ले जाएगा। फिलहाल मैं इसी को रहने देता हूँ कि मुझे पूरा ईमेल एड्रेस यही पैटर्न में चाहिए। हमने ओके का बटन प्रेस कर दिया और इस तरीके से यहाँ से हम कलर देना चाहें कलर दे देते हैं। अब क्या होगा कि अगर वो पैटर्न रॉन्ग लिखेगा, अगर वो वहाँ पे आके पैटर्न रॉन्ग लिखेगा ईमेल एड्रेस का, तो देन उस सूरत में वैलिडेशन फायर हो जाएगी और वो उसको जो है वो पेज को हमारा जो है सबमिट नहीं होने देगा। देखो रॉन्ग हो गया, हमने यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख दिया एट द रेट और तो जो भी दे दिया, अब इस पर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब मैं यहाँ पर आके डॉट करके और मैं इसको जो है CO या COM वगैरह कर देते हैं तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। आई थिंक डबल डॉट हो गया, हमने कहा डॉट COM कर दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लेगा और देखिए यहाँ पे वैलिडेशन हट गई। तो इस पर्पज़ के लिए हम जो है वो ये तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि हमारा पेज, हमारा मकसद क्या है कि पेज हमारा हिट ना करें, नहीं तो हम इसको जावास्क्रिप्ट के जरिए से भी कंट्रोल कर सकते हैं और चाहे तो कंडीशन से थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें बने बनाए हमें ASP कंट्रोल्स प्रोवाइड करता हूँ, आसानी से इसको यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हम नॉर्मली आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पर ये मैसेज यहाँ पास नहीं होते बल्कि यहाँ पर स्टैरिक आ जाता है और मैसेज जो है वो लास्ट में समरी में आ जाते हैं। मैं इस तरह का कुछ सेटअप करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि जो आपने यहाँ पे मैसेज पास किया मैसेज को आप वैसे रहने देंगे, टेक्स्ट में आके आप जैसे कुछ भी आपने लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली स्टैरिक चलता है, मैं स्टैरिक लगा लेता हूँ, इस पर भी आके आपने टेक्स्ट पे आके कोई भी स्टैरिक लगा दिया और इसी तरीके से आपने इस पर भी जो है वो टेक्स्ट में आके इसको भी स्टैरिक दे दिया, आपने इस पर भी टेक्स्ट में स्टैरिक देने, जितने भी हम चीज़ें आपने अगर स्टैरिक देना चाहते हैं कि स्टैरिक ही आ जाए तो आपने स्टैरिक पास कर दिया तो यहाँ पे तो स्टैरिक आ जाएगा। अब रह गए मैसेजेस, जो मैसेज थे वो कहाँ जाएंगे, तो उसके लिए हमें एक और कंट्रोल मिलता है वो कहलाता है वैलिडेशन समरी। आप पेज में कहीं भी इसको यूज़ कर लो, वैलिडेशन समरी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सारे मैसेजेस खुद ही उठा लेगा और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, यानी जहाँ पे वैलिडेशन फायर होगी वहाँ पे स्टैरिक आ जाएगा और नीचे आपका मैसेज आ जाएगा आपके पास। अब देखिए यहाँ पे पहले नल छोड़ देता हूँ तो आपके पास ये मैसेज आ गया और यहाँ पे स्टैरिक आ गया आपके पास और यहाँ पर भी आपके नल आ गया, यहाँ पे मैंने कुछ गलत दे दिया तो ये भी आपके पास मैसेज नीचे आ गया। मैं एज को गलत देता हूँ तो भी मैसेज आपके पास आ जाएगा, मैं ईमेल एड्रेस को पैटर्न में रॉन्ग कर देता हूँ तो भी मैसेज आ जाएगा। तो मैसेज आपके पास यहाँ पर आ गए, इसको हम कलर भी कर सकते हैं और यहाँ से हमारे पास स्टैरिक या जो भी हम सिंबल देना चाहें वो सिंबल दे देंगे, वो सिंबल हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे जो नॉर्मली वेबसाइट वगैरह में इस्तेमाल होता है, वो आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वैलिडेशन समरी लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी टेक्स्ट की वैल्यू ले आएगा। इसको अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो 4 कलर आप इसका दे सकते हैं, रेड कलर नॉर्मली होता है, रेड कलर पास कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन होता है ताकि मैं चाहता हूँ कि भाई मैसेज बॉक्स अलर्ट बॉक्स आ जाए तो फिर आपने यहाँ शो मैसेज बॉक्स को जो फॉल्स है बाय डिफॉल्ट आप इसको ट्रू कर दोगे तो ये इसका मतलब मैसेज आ जाएगा और जो आपके पास जो जो आ रहा है डेटा ये समरी की शिकल में आ रहा है तो समरी को चाहे तो आप जानते हैं फोर्स करना चाहे फोर्स कर सकते हैं। अगर मैं इसको भी रह देता हूँ तो इसका मतलब मैसेज बॉक्स भी आ जाएगा, अलर्ट बॉक्स भी आएगा और साथ में समरी भी, नीचे समरी में भी डेटा आ जाएगा। तो दोनों को मैंने छोड़ दिया, दोनों आ जाएंगे। अगर एक को रखना चाहते हैं, एक को ट्रू कर देंगे और एक को हम फॉल्स कर देंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अलर्ट बॉक्स वगैरह नहीं दिया जाता, जो समरी दी जाती है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये अलर्ट बॉक्स आ गया, जहाँ पे भी मैसेज आ गया और जब मैं ओके करूँगा तो मैंने समरी में भी ट्रू रखा हुआ है तो समरी में मैसेज आ गया। जैसे जो भी मैं वैल्यू देता रहूँगा हर दफ़ा आपके पास मैसेज बॉक्स आता रहेगा, एक नई चीज़ के साथ मैसेज बॉक्स आता रहेगा। अब देखिए मैं जब करूँगा तो सारे मैसेजेस यहाँ पर भी आ जाएंगे और जब मैं ओके करूँगा तो मैसेजेस यहाँ भी शो हो जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूँ मैसेज बॉक्स एक ही चीज़ आ जाए तो हम अलर्ट बॉक्स को चाहे तो अलर्ट बॉक्स को जैसे जो है ट्रू रखेंगे तो उसको फॉल्स कर देते हैं, और अगर नॉर्मली हम ज़्यादातर तो ये फॉल्स ही होता है और समरी हमारी ट्रू होती है, हम समरी को ट्रू रखते हैं तो इसको मैं फॉल्स ही रखूँगा। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन पास करते हैं और कोई भी फॉर्म के ऊपर हमें प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन कंट्रोल्स को यूज़ करके वैलिडेशन कंट्रोल्स के जरिए हम इसको चेक कर लेते हैं, बड़ी आसानी से काम हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस करें और ये कंपलसरी हर एप्लीकेशन आप बनाएंगे उसमें आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तो इस पर अच्छी ग्रिप रखी है, इसमें और भी वैरायटी है, मैंने चंद एक चीज़ें बताई है, यही कंट्रोल्स हैं, इन कंट्रोल्स को आप और भी बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
जितने इस पर प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इसको देखते रहिएगा और कोई भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछें, मुझे कोई इसमें अलावा कोई एडवांस वर्क कराना हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करें, मैं वो भी आपके कमेंट्स के अगेंस्ट में कोई भी नई वीडियो बना कर दे दूँगा आपको। तो इसको साथ साथ देखते रहें और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे साथ टच में रहें। जैसे भी आप कहेंगे वैसे उसके हिसाब से जो है वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता रहूँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।